सामने वाले घर में अम्मा किसकी शादी हो रही है? वो इफ्तिखार साहब की बेटी है ना सलवा, उसकी शादी हो रही है। आयान की बहुत अच्छी दोस्त है, आज उसका निकाह है। आयान अभी अभी वहां से आई है। अभी वापस आ गई? लेकिन तकरीब तो चल रही है, आयान इतनी जल्दी क्यों आई है? उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लगता है दोस्त की शादी को लेके थोड़ी सी अपसेट है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर के लेके गई हैं उसे? अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं है उसकी जो उसे मैं डॉक्टर के लेके जाऊं। बताया ना उसकी दोस्त की शादी हो रही है इसलिए थोड़ी सी अपसेट है वो। और सुनो तुम इतने ना बेजा लाड़ नहीं किया करो उसके साथ, छह थोड़ी समझदार हो जाए, कल को उसे दूसरे घर भी बयाना है। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा? अभी छोटी सी है वो, उसको उसको ये शादी वादी के चक्कर में नहीं डालना। सुनो छोटी वो है नहीं, तुमने उसे बहुत छोटी बना रखा है। आज वो लड़की साथ है, जिम्मेदारी है हमारी। तुम कितने ही लाड प्यार कर लो लेकिन जाना तो उसे अपने घर है ना। हाँ लेकिन अभी उसमें बहुत वक्त है, अभी उसे पढ़ाई करना है। मैं अपनी छोटी सी गुड़िया के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं डाल सकता। छोटी सी गुड़िया तो वो तुम्हारे लिए सारी जिंदगी रहेगी। तुम्हें पता है आयान के जिस दोस्त की शादी हो रही है वो भी आयान की उम्र की है, उसके माँ बाप ने भी तो अपना फर्ज पूरा किया है ना। और वैसे भी लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा होता है। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, बहुत भूख लग रही है। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ, जल्दी से खाना खा लो। ये अचानक से निकाह का सीन कैसे बन गया? अलमीर के वालिद की ख्वाहिश थी कि निकाह पहले हो जाए। अजीब लोग हैं, हर बात पर सरप्राइज देते हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं। अच्छा मुझे लगा जैसे कहा है तुमने कुछ। सच तो यह है कि कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मसला यह है कि मुझे घर का माहौल खराब नहीं करना। सच माने ना तो ना तो ये शादी मुझे हजम हो रही है और ना ही ये रिश्ता। वैसे तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है, प्रॉब्लम इन घर वालों के साथ है। मुझे तो आज तक बहू का दर्जा ही नहीं मिला, मुझे तो हर बात ऐसे खुफिया रखते हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ। ऐसी कोई बात, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं। आप तो रहने ही दे बस। कुछ तो है जिसका पता लगा कर मैं छूटू, पर मेरे हाथ में सिर आ जाए बस। सलमा कुछ तो है जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरी छठी हिस्स कभी धोखा नहीं देती मुझे, ये तुम जानती नहीं हो। हेलो हेलो अलमीर, अलमीर बस ऐसे ही मेरा नाम लेती रहो। प्लीज बोलो ना, खामोश क्यों हो गई? Say you love me. मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा लिसन लिसन, सॉरी सॉरी सॉरी। सुनो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं जब तुमसे रोमांटिक बातें करने की कोशिश करता हूँ तुम बात क्यों पलट देती हो भाई? सलमा मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बस अभी मेरी आंख खुलेगी और अभी सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अलमीर, अब मैं अपने सारे हकूक के साथ तुम्हारा साथ निभाने को हम कदम। ये बंद आंखों का ख्वाब नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे हसीन हकीकत है। और अब तो यकीन आ जाना चाहिए तुम्हें। आ गया मुझे यकीन, तुम्हारे साथ मेरा सफर कितना खूबसूरत होने वाला है इस बात का यकीन मुझे आ गया। फिलहाल रात बहुत हो गई है और तुम्हें सोना चाहिए, कल मेहंदी पे अच्छे भी तो लगना है ना। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, प्लीज लिसन टू मी। प्रॉब्लम क्या है? अब तो निकाह भी हो गया हमारा। मैं जब तुमसे प्यार के दो बोल बोलने की कोशिश करता हूँ तुम या तो बात पलट देती हो या फोन काट देती हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें आज बता ही दूँ। ओके खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। आई लव यू।